नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए भवन सिंह, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1936 में एंड ऑप्शन डी 1930 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो दोस्तों, भारत ने जो अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट नामक, जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको किस देश की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का पहला मौसम उपग्रह, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है मौसम उपग्रह की, तो भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैटसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताते हुए मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो देखते हैं आपने वीडियो में आपका ध्यान है भी या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसके लिंक जो मिल जाएगा आपके लिए, उस पर जाकर क्लिक करके इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी है 1970 एंड ऑप्शन डी 1965। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था? तो दोस्तों, एक जो समझौता हुआ था जिसका नाम था पूना पैक्ट, उसका संबंध किससे था? मुस्लिम वर्ग से था, सिख वर्ग से था, ईसाई वर्ग से था या फिर दलित वर्ग से था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दलित वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन हैं आपके, बरकतुल्ला खां, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल एंड ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी कोयला एंड ऑप्शन डी होगा चंबल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का,
हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल एंड ऑप्शन डी कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।